हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आपका जार स्टडी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आप से प्रॉमिस किया था कि ग्रोथ क्रैश कोर्स जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वैसे ही हम लोग 10th का क्रैश कोर्स लेकर आ गए हैं। फिजिक्स का वीडियो ऑलरेडी प्रणव सब के द्वारा अपलोडेड कर दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुका है, और ये आज का पहला लेक्चर है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगी आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे आपको जल्दी नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, और अपने फ्रेंड्स में जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि CBSE के क्लास 10th बोर्ड में पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी के अंदर वो है लाइफ प्रोसेस के नाम से, और इसके अंदर जो टॉपिक जो इंक्लूड किए गए हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, और लास्ट टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस के अंदर होती है वो है एक्सक्रीशन। तो आज हम पहला टॉपिक, दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहला न्यूट्रिशन और दूसरा सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे क्या है, कि ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ। लिविंग थिंग्स के अंदर जो है कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर वो रेस्पायर कर रहा है, अगर फूड कंज्यूम कर रहा है तो डाइजेशन होगा तो एक्सक्रीशन होगा ही होगा। अगर उसके डाइजेशन हो रहा है तो रेस्पायरेशन होगा ही होगा। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो रेस्पायरेशन करना ही करना है, और ऑक्सीजन और CO2 का जो रेस्पायरेशन में हेल्प होता है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और अगर उसके अंदर वो ब्लड सर्कुलेटेड एनिमल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सर्कुलेशन होगी, वो है ब्लड सर्कुलेशन होगी जिस जो हार्ट के थ्रू होगा। पूरे बॉडी में हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा और जिसके थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करेगी। तो द बेसिक परफॉर्म फंक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक परफॉर्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है वो अपने सर्वाइवल और बॉडी मेंटेनेंस के लिए, वही हमारा लाइफ प्रोसेस है। मतलब जो प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में टू सस्टेन आवर सेल्फ, ताकि एनिमल्स और प्लांट जो है और हम लोग जो है सर्वाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें और अपने आप को मेंटेन कर सकें, तो उसी को जो है लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि टॉपिक्स इसके अंदर जो है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, और एडिशनल टॉपिक जो है हमारा डाइजेशन। तो यही हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस ही है, क्योंकि कोई भी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा ग्रोथ के लिए, फिर जिंदा रहने के लिए रेस्पायरेशन चाहिए होगा, वो रेस्पायर करेगा, फिर बॉडी में जो मटेरियल्स हैं जैसे अनवांटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो बॉडी के थ्रू बॉडी के आउट जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, और जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं बॉडी की नीड जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाएगी, फिर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा बॉडी के थ्रू। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर दी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ एक्सक्रीशन। सो देर आर फोर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, दे आर नेम्ड एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब जो है लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कैसे होता है, वो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट कैसे होता है, वो एनर्जी का यूज करके होता है। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें एनर्जी डिराइव्ड होती है उससे बॉडी में, फिर रेस्पिरेशन वो एनर्जी यूज करते हैं रेस्पायर करने में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी एनर्जी यूज होती है, और एक्सक्रीशन में भी हमारे जो एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद जो वेस्ट बचते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसमें भी एनर्जी यूज होता है। तो लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिशन। तो ये सारी एनर्जी जो है हमें
मिलती है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू मिलती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है फ्रॉम वेयर डज द बॉडी डिराइव्स एनर्जी, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रिशन। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किस किस मोड के थ्रू, किस किस मीडियम के थ्रू हम न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या होता है कि अगर हम ऑटोट्रॉपिक को डिवाइड करें, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स प्रिपेयर, तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, मतलब खुद का खाना खुद से बना के और खुद से यूटिलाइज करें उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को किसी को किसी से खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुद जो है सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक है, इसके ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक का मतलब है हेटरो मींस दूसरे पर डिपेंडेंट होना। इस तरह के न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म खुद से जो है वो सिंथेसाइज फूड को सिंथेसाइज नहीं करता, वो दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहता है। तो हेटरोट्रॉपिक जो है मेनली जिस पे डिपेंड होता है वो है ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे एनिमल्स हो गए, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, तो वो डायरेक्ट हेटरोट्रॉपिक हो गए। और एनिमल्स के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए वो इनडायरेक्ट प्लांट को जो है ऑप्टेंड करते हैं और डायरेक्ट भी ऑप्टेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल फंगाई भी हेटरोट्रॉपिक हो गया, ये इनडायरेक्ट कंज्यूम करता है जब प्लांट्स और उसके मटेरियल्स डेड होते हैं, पत्ते झड़ के जो ज़मीन में गिरते हैं, तो फंगाई जो है एक पैरासाइट जो उसको डिकम्पोज करता है। तो इनडायरेक्टली जो है हेटरोट्रॉप है प्लांट्स पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक जो खुद से सिंथेसाइज करता है फूड, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, उसका एग्जाम्पल है एनिमल्स और फंजाई। अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन मोड जो है वो कैसे अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है। तो ऑटोट्रॉप्स का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि ग्रीन प्लांट जो है वो सेल्फ सिंथेसाइज करती है फूड, और अब देखेंगे वो कैसे सिंथेसाइज करती है। तो वो ऑटोट्रॉप जनरली ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है फूड को सिंथेसाइज करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे डबल स्टार लगाना चाहूँगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बनकर आता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कौन ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके जो है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती है और अपना खुद फूड सिंथेसाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोपिल। क्लोरोपिल जो कि प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं या ग्रीन प्लांट्स के पार्ट्स में पाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से उस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, वाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए और वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे परफॉर्म होती है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होती है जो कि लीफ में, प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होती है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोपिल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, इसीलिए तो लीफ ग्रीन दिखती है क्योंकि उसमें एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोपिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट किस में कहाँ होता है, क्लोरोपिल में। क्लोरोपिल कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
और कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और किसके प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में और कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा, उसका डेफिनेशन देखा और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कैरी आउट होता है वहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे डायग्रामेटिक स्केच के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इक्वेशन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है वाटर के प्रेजेंस में, और वो शुगर का फॉर्मेशन यानी कि स्टार्च, शुगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च C6H12O6, और वो ऑक्सीजन एडिशनल एज ए रेसिड्यू ऑक्सीजन जो है लिबरेट करती है। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोपिल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही जो है साथ साथ कैरी आउट हो रहा है। और इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द रिएक्टेंट साइड इट गिव्स प्रोडक्ट एज ए C6H12O6। यहाँ पे शुगर भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, या प्लांट्स के केस में आप स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो यही जो है मेन फूड है प्लांट्स के लिए, C6H12O6 यही जो है मेन फूड है प्लांट्स के लिए। और हमें बदले में क्या मिल जाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक रेसिड्यू टाइप का, ये यहाँ पे एटमोस्फेयर में लिबरेट हो जाती है। तो इवेंट्स देख सकते हैं आप फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे सन के थ्रू लाइट आया, ये ग्रीन लीव्स है, यहाँ पे ये ग्रीन लीव्स है, इसके अंदर क्लोरोपिल है, ये क्लोरोपिल जो है सनलाइट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है, और वाटर के प्रेजेंस में ये जो है क्लोरोपिल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रही है, सनलाइट का यूज कर रही है और वाटर का यूज कर रही है, और ये कहाँ हो रहा है, ये ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोपिल में हो रहा है। तो और इससे हमारा क्या हो रहा है, गिवन ऑफ इन टू द एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और ये स्टार्च जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है, ये शुगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये शुगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो यहाँ पे फूड अल्टीमेटली सिंथेसाइज हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको फोटोसिंथेसिस पे लिखने आए तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, रॉ मटेरियल्स क्या क्या उसमें होते हैं, कहाँ पे होते हैं, और फिर आप ये जो है एक इक्वेशन जो है वहाँ पे लिख देंगे, ये आपको बढ़िया नंबर दिला सकता है और सुंदर आंसर जो है आप कर सकते हैं इससे। और अगर आपके पास टाइम बचे और अगर आपको याद रहे तो आप इस तरह से स्केमेटिक डायग्राम जो है आप बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, इससे आपको कहीं नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है कि एक टाइनी पोर, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्टोमेटल पोर है और ये पूरा जो है स्टोमेटा का ही डायग्राम है। तो स्टोमेटा जो है एक टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीव्स पे जनरली प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, जैसे ये हमारे लीव्स हैं, इसके सरफेस पे जो है हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, इसके थ्रू जो है एयर इन और आउट होते हैं ये स्टोमेटल पोर के थ्रू। तो देख सकते हैं टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, ये हर प्लांट के लिप्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टोमेटा का फंक्शंस क्या है, कि जैसा मैंने अभी बताया एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये टाइनी पोर्स है स्टोमेटा का, यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का इन और आउट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमें बताएं कि स्टोमेटा का जो ये स्टोमेटल पोर है ये अगर ओपन रहेगी तो अंदर की जो लिप्स की जो वाटर रिटेंशन है वो इवोपरेट हो जाएगी, वाटर इवोपरेट हो जाएगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन यहाँ बेसिकली इतना समझिए कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिस पे कि वाटर जो है प्लांट्स और उसके पार्ट्स बेसिकली लिप के थ्रू जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलकर बाहर आ जाता है। तो स्टोमेटा ही हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में और फ्लो ऑफ वाटर में। अब स्टोमेटा की डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये स्टोमेटल पोर जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर इवोपरेट होता है, ट्रांसपिरेशन जो है कैरी आउट होता है इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू, और ये गार्ड सेल स्टोमेटा के आउटर लेयर में पाया जाता है जो कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजुरी से। तो ये पूरा स्टोमेटा का फंक्शन था, स्टोमेटा होते क्या और स्टोमेटा का डायग्राम है। अभी अभी जैसा हमने पहले पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक होता क्या है, अब देखेंगे हीटरोट्रॉपिक को डिटेल में कि हीटरोट्रॉपिक किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन से जो है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट है। तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सेफ्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासिटिक। होलोजोइक वो एनिमल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं और उसे अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एमेबा और एनिमल्स के अंदर जो है, यहाँ पे याद रखें कि ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं। हम लोग जो फूड लेते हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और वो ब्रेक डाउन जो होता है फूड का वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो इस कैटेगरी के जो है एनिमल्स को क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक है, एनिमल्स और एमीबा इसका एग्जांपल है। एनिमल्स के अंदर जो है एग्जांपल आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स। सेकंड कैटेगरी जो है वो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट जो है वो मर गया है तो उसको डिकम्पोज करता है, उसको फीड करता है, वो है सेप्रोफाइटिक। और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है फंजाई एक पैरासिटिक है और ये सेप्रोफाइटिक भी है जो कि मरे हुए प्लांट्स और जानवर को फीड करता है। और तीसरी कैटेगरी के जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये हीटरोट्रॉप्स जो हैं वो खुद से अपने सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ये दूसरे पर डिपेंड है, जैसे होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है पैरासिटिक कैटेगरी के हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे होस्ट हो जाता है वो उनके लिए और वहाँ से वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और वो वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट पैरासाइट सच एज टिक्स, कस्कुटा ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये प्लांट पैरासाइट से जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपने फूड्स को डिराइव करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड है और क्या क्या प्रोसेस है। प्लांट्स में हमने देख लिया न्यूट्रिशन का प्रोसेस, वो फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, किसकी मदद से होता है और उसकी इक्वेशन भी देख ली। फिर हम अब यहाँ पे देखेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। तो एनिमल्स में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इंजेशन मीन्स फूड को हम लोग जो है इंजेस्ट करते हैं, मीन्स फूड को हम लोग लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, फिर वो माउथ के थ्रू, फिर वो जो है डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में जाके, वो फूड जो है हमने जो फूड खाया वो डाइजेशन प्रोसेस में जाता है। फिर उस फूड का डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल GIT में ही होता है। फिर एसिमिलेशन होता है उस फूड एब्जॉर्ब फूड और अनडाइजेस्टेड फूड का। अनडाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन मीन जो होता है वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में वो बनता है और फिर उसके बाद जो वो एक्सक्रीटा नाइट्रोजिनस वेस्ट बना हमारे बॉडी के अंदर फूड अनडाइजेस्टेड फूड का, वो फिर इजेशन मीन्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो है वो यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और इजेशन। और ये प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ तक कैरी आउट होता है। पहले हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, फिर हमारा फूड डाइजेशन प्रोसेस में जाता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो एसिमिलेशन होता है, उसका एक्सक्रीटा बनता है, फिर वो एसिमिलेशन एक्सक्रीटा जो है वो इजेस्ट आउट कर दिया जाता है, मीन्स इजेशन होता है। तो इजेशन हमारा लास्ट प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 5 प्रोसेस हैं, ये इनके 5 प्रोसेस यहाँ पे रहे।
अब एनिमल्स में हमने न्यूट्रिशन देख लिया, अब ये अमीबा के अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये क्लास 10th के अंदर दिया गया है, वही सारा मैं कवर कर रहा हूँ। तो अमीबा ये देख सकते हैं, अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को अमीबा कैसे जो है इंजेस्ट करता है, मीन्स कैसे जो है इस फूड से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे अमीबा है, ये अमीबा की आउटर सेल है। अमीबा में जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड पार्टिकल को, यहाँ पे ये सूडोपोडिया जो है इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, उस कैप्चर करके जो है आउटरमोस्ट सेल के पास लाता है। अब ये जो है आउटरमोस्ट सेल की जो मूवमेंट होती है और ये फूड पार्टिकल जो है ये यहाँ पे इनगल्प कर जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फूड पार्टिकल जो है ये यहाँ पे इतनी नज़दीक आ गया, ये सेल जो है अंदर की तरफ जाती है और ये फूड पार्टिकल की के लिए एक जगह बनाती है। तो जैसे ये सेल अंदर की तरफ गई, यहाँ पे फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है और वो फूड पार्टिकल को जो है अपने बॉडी के अंदर इनगल्प कर लेता है, जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इनगल्प करना मतलब निगलना। तो इस फूड पार्टिकल को जो है अपने सेल के अंदर निगल लेती है, इनगल्प कर लेती है। तो और ये पूरा प्रोसेस को जो है ये कहते हैं फैगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा जो है ये जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, हम मेरी हैंडराइटिंग कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो है अमीबा जो है फूड जो है न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से लेता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से लेता है। तो ये था अमीबा का न्यूट्रिशन। अब देखते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अंदर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं और हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं, माउथ हो गया, माउथ के बाद इसोफेगस, फिर स्टोमैक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने जो पांच प्रोसेस पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग्स तो एनिमल्स के अंदर ही आते हैं ना, तो ह्यूमंस के अंदर जो है पांच प्रोसेस क्या होंगे, माउथ के थ्रू इजेशन होगा, इसोफेगस इजेशन में हेल्प करेगा इंजेशन में, फिर स्टोमक में जो है वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगी, फिर जो है एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, फिर एसिमिलेशन जो प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो रेक्टम में होगा, फिर एनस के थ्रू वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, मीन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में बनेगा वो रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो माउथ, सबसे पहले हम जब फूड लेते हैं तो वह है माउथ के थ्रू, और माउथ में जो है सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, वो सलाइवा जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, और सलाइवा में जो है हमारा सलाइवरी एमाइलेज का प्रेजेंट होता है। ये हमारे फूड को क्या करता है, फूड में प्रेजेंट जो है स्टार्च को जो है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा सेक्रेट होता है, सलाइवा के अंदर जो है सलाइवरी एमाइलेज होता है, फिर अब वो सलाइवरी एमाइलेज जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और माउथ के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, टीथ के थ्रू हम च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को, टंग के थ्रू जो है फूड को टेस्ट करते हैं, और जो है फूड को इसोफेगस की तरफ ले जाते हैं। अब इसोफेगस में हमारा क्या काम करता है कि इसोफेगस जो है हमारा माउथ से जो इसोफेगस में जैसे हमारा गया, वो इसोफेगस एक पाइप जैसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं माउथ के थ्रू यहाँ पे फूड एंटर होता है, ये वाला जो पार्ट है हमारा इसोफेगस है, ये इसोफेगस जो है माउथ और स्टोमक के बीच में एक कनेक्टिंग नेटवर्क है, यहाँ से हमारा फूड पास होकर जो है स्टोमक के अंदर आता है, ये हमारा स्टोमक होता है, यहाँ पे ये हमारा स्टोमक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टोमक है, राइट। और इस स्टोमक में हमारा जो है गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, फिर और कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होता है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, HCl जो कि एसिडिक मीडियम डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम यहाँ पे स्टोमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, फिर कुछ म्यूकस जो होता है जैसे इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, यहाँ पे जो स्टोमक के इनर लाइनिंग होती है इसको एसिड से बचाता है ये म्यूकस, तो यहाँ पे
म्यूकस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और फिर हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड जो है स्टोमक के थ्रू फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन होंगे और फिर यहाँ से रेक्टम हो जाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें क्या होता है, हमारा लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। और हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन फूड का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर का बाइल जूस और प्लस पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों ही मिलके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं। और इंटेस्टाइनल एंजाइम जो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरल में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से इंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो है बाइल और दूसरा है पेनक्रियाटिक एंजाइम, और इन दोनों को मिला के जो है ये इंटेस्टाइनल एंजाइम कहा जाता है। और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लाइसरल फॉर्म करते हैं, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये पेनक्रियाटिक जूस, इसका अलग से क्या फंक्शन है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पेनक्रियाटिक जूस में जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है, और हम जो फैट्स कंज्यूम करते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, वो ब्रेक डाउन होती है लाइपेज को थ्रू, लाइपेज जो कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, और वो लाइपेज जो है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि स्टोमेक के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, और कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस के नाम क्या है, पहला तो पेप्सिन, दूसरा एससीएल और तीसरा म्यूकस। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, तो पहला जो है लीवर से बाइल, दूसरा पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस, और इनके क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटेस्टाइनल एंजाइम के जो फंक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। फिर पेनक्रियाज से सिक्रीट होती है वो कौन कौन से, वो ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करती है, और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट्स को जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो बाइल जूस के थ्रू इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में जो है तोड़ दिए जाते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ जो है माउथ से फूड जो है थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टार्ट हो गया, माउथ में ही वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फूड जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस में आता है, फिर इसोफेगस से स्टोमक में आता है, स्टोमक में वेरियस जूस जो है उसको डाइजेस्ट करती है, फिर वो जो डाइजेशन बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऑलरेडी 90% डाइजेशन में हो जाता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एंड पेनक्रियाटिक जूस। फिर यहाँ पे डाइजेशन पूरा होने के बाद जो हमारा रेसिड्यू बचता है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, हमारा ऑलरेडी जहाँ फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब जो वाटर की बारी है वो वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद जो हमारा रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड वेस्ट बनता है वो रेक्टम में जो है टेम्प्रोरी स्टोर हो जाता है, यहाँ पे वेस्ट का जो है कलेक्शन कहाँ होता है, रेक्टम में, फिर वो एनस के थ्रू जो है इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, एंड एनस जो है यहाँ पे हेल्प्स इन इजेशन। तो यहाँ पे जो है डिफेगेशन या के थ्रू जो है हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं एनएस को थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन न्यूट्रिशन का, कि माउथ हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं माउथ में जाता है, इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, फाइनली जो है रेक्टम और एनएस के थ्रू वो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनकर इजेक्ट आउट हो जाता है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन
एनिमल्स दैट इज इन ह्यूमन, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि सबसे पहला इंजेशन होता है, इंजेशन प्रोसेस जो कि माउथ के थ्रू होता है, ये देखिए हमारा माउथ, फिर ये टंग की हेल्प से हम यहाँ पे च्यूई करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा जस्ट बिलो द ईयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंजुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सलाइवरी जूस सेक्रेट करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, फिर यहाँ पे डाइजेशन फूड को च्यूई करते हैं, ये जो है फूड में जो स्टार्च होता है ये माउथ में ही शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसोफेगस के थ्रू ये फूड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे लीवर जो है यहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, फिर ये इसोफेगस फूड के थ्रू जो है स्टोमक में आता है फूड, फिर इस यहाँ पे पेन फूड जैसे ही स्टोमक में आता है यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत डाइजेशन होने के बाद ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वो है डियोडनम, जेजनम और इलियम, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो है वह कोलन, कीकम एंड रेक्टम, ये तीनों जो पार्ट्स जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो फूड जैसे ही स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ आया तो वहाँ पे जो है पेनक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे जो है फूड को डाइजेस्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड तो ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है फूड का, तो जो वाटर पार्ट जो बचता है फूड का वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है, फिर यहाँ से जो वाटर और फूड दोनों ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो फिर उसके बाद जो है हमारा ये रेक्टम में जाके नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारा बचता है वो यहाँ पे रेक्टम में जाके स्टोर्ड होता है, फिर जब इजेशन करना होता है तो वो एनस के थ्रू यहाँ पे एनस के थ्रू इजेक्ट आउट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और वो एनस पे जाके ख़त्म होती है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक स्केच, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, अपनी डाउट पूछ सकते हैं, और फिजिक्स का वीडियो लेक्चर आपको अगर देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, फिजिक्स के दो लेक्चर और इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को विजिट, जार स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को जाकर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो आपको डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं, तो इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ सकें, और इससे कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम पता कर सकें कि आपको किस तरह के डाउट है और हम उस अकॉर्डिंग जो है आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। इसकी PDF और नोट्स हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इसके नोट्स और PDF हर एक लेक्चर के आप वहां से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं पे जो है ख़त्म होती है। ये था लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अगले लेक्चर में हम जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल लेकर आने वाले हैं, तो सो प्लीज़ बी अपडेटेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़।